वेलकम टू माय चैनल। और आज हम ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। जो हमने ग्रेविटेशनल फील्ड में न्यूमेरिकल्स दिए थे उन्हें करेंगे, और एक ग्रेविटी के फॉर्मूले पे करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं जो ग्रेविटेशन लॉ पे थे, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने कर लिए होंगे। अगर किसी ने नहीं किए हैं तो आज कर लें, और जिसने कर लिए हैं वो आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस 100 kg एंड 1500 kg रिस्पेक्टिवली। प्लेस अ डिस्टेंस ऑफ 10 m फ्रॉम ईच अदर, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.7 या 6 पॉइंट, अगर आपको याद है तो 6.67 से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ×10⁻¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चंस में हम गिवन वैल्यूज को लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है? टू बॉडी का मासेस गिवन है, एक का 100 kg, एक का 500 kg ना। तो मासेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट नोट डाउन कर लिया, फिर उन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है वो नोट कर लिया। हमें क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है फ्रॉम द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, फोर्स एग्जर्ट बिटवीन टू मास ऑब्जेक्ट इज एफ इक्वल टू जी एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। सब वैल्यूज रख लीजिए, कैलकुलेट करिए। इसका आंसर आ रहा है 1.0 × 10⁻¹ N। ठीक है, ये आंसर यहाँ पास में बैठी हुई मैडम ने कैलकुलेट किया है, तो उम्मीद करती हूँ करेक्ट आंसर होगा। ये करेक्ट है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करिएगा और देखिएगा कि आपके आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 36,000 किलोमीटर। द मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻¼ kg। फाइंड द मास ऑफ सैटेलाइट इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इट एग्जर्ट ऑन द अर्थ इज इक्वल टू 2 × 10⁸ N। तो क्या गिवन है, अर्थ की सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस दी हुई है जिसमें सैटेलाइट घूम रहा है, अर्थ का मास दिया है, और कितनी फोर्स लग रही है वो गिवन है। हमें सैटेलाइट का मास कैलकुलेट करना है, फाइंड करनी है ये वैल्यू। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लिया हमने, ठीक है। पर यहाँ पे हमें डी जो है ये बात ध्यान रखने की है, किलोमीटर में दिया है, और जबकि यहाँ पे हम सारी जो यूनिट है एमकेएस में रखते हैं, तो मीटर में होनी चाहिए। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में। ठीक है, वैल्यूज पुट की, मीटर में ये वैल्यू हो जाएगी 3.6 × 10⁷। तो 1, 2, 3, 4 पावर तो ये हो गई 3.6, और 3 पावर्स आ गई जो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। ये कैलकुलेशन ना इनसे नहीं हो रही थी, पता नहीं क्या गड़बड़ करते हैं, तो थोड़ा सा हाँ मुझे देखे नहीं सही बता रही, कन्वर्ट हाँ कन्वर्जन नहीं किया, उसकी वजह से इनकी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई थी। तो ये ध्यान रखना है, ये कन्वर्ट जरूर करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमको एक साइड रख लेंगे, बाकी सारा एक साइड ले जाएंगे, और पावर्स को रिड्यूस कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, है ना। जैसे इन दोनों को मैच किया, 10⁻¹३ आ रहा है, फिर 10⁻¹ यहाँ से 14 है, ऊपर ले गए। पावर को कलेक्ट कर लीजिएगा और फिर इसको सॉल्व करिएगा, ये वैल्यू आती है हमारी 1.07 × 10⁸ kg। अब किसी से कैलकुलेशन नहीं हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं इसको कैलकुलेशन आपको करके भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड अ मैन स्टैंडिंग एट सी लेवल। कितनी डिस्टेंस है, 6.38 × 10⁻⁶ m फ्रॉम अर्थ सेंटर। कंसिडर द मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻¹ kg। कर लिया आपने, करो कैलकुलेशन, फिर देखते हैं। तो मास ऑफ अर्थ इज
जो गिवन है पहले वो लिख लेंगे, अर्थ का मास, मैन का मास लिख लिया, डिस्टेंस कितनी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना है, वैल्यू लिख लिया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ एफ इक्वल टू जी एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वेयर, वैल्यूज पुट करिए। चलो इसका आंसर है, या तो हम लिख सकते हैं 6.9 × 10² न्यूटन, या हम ये भी लिख सकते हैं 7. जब आप राउंड ऑफ करके कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, पावर्स कलेक्ट करिएगा, फिर सॉल्व करिएगा, ये आंसर आ रहा है इसका। क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ अर्थ एंड इक्वेटर इज 6,378 किलोमीटर एंड एट पोल 6,336 किलोमीटर। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों जी पे, यानी कि एक साउथ पोल पे है सपोज इसे जी एस बोल देते हैं, और एक इक्वेटर पे जिसे जी ई बोल देते हैं, इन दोनों के बीच पे रेशियो निकालना है। ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस एट ऑन साउथ पोल ऑफ इक्वेटर, कंसीडर द मास ऑफ अर्थ ये रहेगा और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये है 6.67 × 10⁻¹¹। तो आपको जी ई और जी एस के बीच में रेशियो निकालना है। मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है इन्हें देख के कि सब भूल गए हो। एफ इक्वल टू, जब मैंने ग्रेविटी बताया था तो बताया था एफ इक्वल टू एम जी होता है, और एक एफ का फॉर्मूला था हमारा जी ग्रेविटेशन लॉ से एम एम अपॉन डी स्क्वायर, इन दोनों को इक्वेट किया था तो यहाँ से जी का फॉर्मूला आ गया था जी एम अपॉन डी स्क्वायर, है ना। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आपको जी ई इक्वेटर पे और जी एस साउथ पोल पे निकालना है और उन दोनों के बीच में रेशियो निकालना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक बार हम क्या करेंगे, एट इक्वेटर पर कैलकुलेट करेंगे और एक बार हम एट साउथ पोल पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जी का एक्सप्रेशन अभी मैंने आपको बताया था क्या था, जी एम अपॉन डी स्क्वेयर, डी हम आर से रिप्लेस कर सकते हैं रेडियस के केस में, तो इसको हम ऐसे नाम दे देते हैं जीई मतलब इक्वेटर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी इक्वेटर पे, तो ये हो गया जी एम अपॉन डीई स्क्वेयर और आर स्क्वेयर, ये हो गया जी एस जी एम अपॉन डी एस स्क्वेयर, रेडियस के केस में हम डी मतलब ये है। ठीक है, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो आप चाहे तो यहीं पे वैल्यू पुट कर लीजिए। ठीक है, जी की वैल्यू पुट कर लीजिए 6.67 × 10⁻¹¹ एम है 6 × 10², और डीई 6.378 किलोमीटर में, इसको मीटर में ले लें 10²² और सेम ये वाला भी कैलकुलेट कर लेंगे 6.67 × 10⁻¹¹ इंटू 6 × 10², 6.336 × 10⁻¹² इनको कैलकुलेट कर लेंगे। और फिर क्या करेंगे, हमें करना है साउथ पोल टू इक्वेटर का रेशियो, तो हम 2/1 कर लेंगे तो जी एस डिवाइड बाय जी ई आ जाएगा। तो जी एस की वैल्यू जब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आएगी 9.906, जी ई आएगा 9.838 और इनका रेशो आ जाएगा 1.0
0.069 यूनिट भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्री फॉल और ग्रेविटी पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ, न्यूटन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ। थैंक यू।